हमीरपुर के पुलिस महकमे में आज उस वक्त हडकंप मच गया जब राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य की स्क्वाड ड्यूटी के दौरान दो पुलिस कर्मियों में उठापटक शुरू हो गई और एक सिपाही ने दूसरे सिपाही पर इंसास राइफल तान दी। गनीमत यह रही कि इंसास राइफल की मैगजीन पहले ही निकाल ली गई थी, वरना कुछ अनहोनी हो सकती थी। दरअसल आज निगरानी समिति के सदस्य भरोसीलाल हमीरपुर आए हुए थे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमीरपुर पुलिस के कुछ जवानों की स्क्वाड ड्यूटी लगाई गई थी। और जब निगरानी समिति के सदस्य पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में थे, तभी किसी बात को लेकर कांस्टेबल ड्राइवर शेष लाल व कांस्टेबल देवेंद्र के बीच कहासुनी हुई, जिसने मारपीट का रूप ले लिया और उठापटक के साथ ही राइफल तनने की नौबत आ गई। इस बात की जानकारी जब निगरानी समिति के सदस्य भरोसीलाल को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित से की, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने शराबी सिपाही देवेंद्र सिंह को तत्काल स्क्वाड ड्यूटी से हटा दिया और दूसरे सिपाही की तैनाती कर दी। साथ ही सीओ सदर को सिपाही के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए। लेकिन हमीरपुर जिले की शराबी पुलिस ने विशिष्ट सदस्य के सामने जिले की पुलिस की इज्जत की फजीहत तो करा ही दी। तुम्हारी है, तुम ले को जबर गोली मारोगे। किसको मारे राय? वो तो निकाल लिए तुमने। क्यों नहीं निकालने? तो हमने कही तुमने तो मार। इन्होंने बदतमीजी करके मुझे मारा, मेरी राइफल छीन ली और मोबाइल भी छीन लिया। किस वजह से मारा? कोई गलती नहीं थी। आप लोग देखिए दादा, मैं वहाँ, हाँ, अगर मैं पी हूँ मेरी डांटी करा लो, अगर मैं गलत हूँ। मेरा मोबाइल भी छीन लिया, राइफल। एक राइफल इसने मुझको मारा। किन के हमराही हैं आप? जी यहाँ मैं मंत्री जी के एस्कॉर्ट में आया। कौन मंत्री जी? जी यही मंत्री जी अंदर हैं, नाम तो नहीं याद है उनका। उन्हीं के एस्कॉर्ट में आया था। मारू फट जाओ। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। तू आया कहाँ से? तू तू फट जाओ। वो तो बना ही जाएगी। बना रहे कौन? मार रहा है कौन? क्या कर रहा है वो? तो बन रही, मारो ना और मारो। आ जाओ, इधर ही बढ़ जाओ।